सभी बच्चे ध्यान देंगे, पाठ आठ भारतीय नारी। इस पाठ में भारतीय नारी के विषय में बताया जाएगा कि प्राचीन काल में क्या दशा थी और आज क्या दशा है। प्रस्तुते पाठे भारतीय समाजे नारीराम स्थिति विवेचिता। प्रस्तुत पाठ में भारतीय समाज में नारियों के स्थिति को विवेचित किया गया है, नारियों की स्थिति को बताया गया है। प्राचीन भारतीय नारीय स्थिति अतीव गरिमा मई आसित। करा कि प्राचीन काल में भारत में नारियों की कंडीशन, नारियों की स्थिति अत्यधिक गौरवशाली थी। सातु कथम पतनोमुखी, वह कैसे पतनमुखी हुई, कैसे उनका स्तर नीचे चला गया। तथा कठन से पुनः सने सने गुरुता प्राप्ति, और कैसे फिर धीरे धीरे गुणता को प्राप्त हुआ, उच्च स्थिति को प्राप्त हुआ। इत्यस्य दिग्दर्शन अस्मिन् आलेखे कृतम्। इसका दिग्दर्शन इस आलेख में प्रस्तुत किया गया है। इसके विषय में इस पाठ में बताया गया। कस्यापि समाजस्य सभ्यताया वा आकलनाय तस्मिन् समाजे नारीराम स्थिति दर्शनीया, यत समाजस्य विकास नारीषु एव आद्रितः। किसी समाज का विकास या किसी समाज की सभ्यता का आकलन उस समाज के नारी की कंडीशन से करते हैं, नारी की स्थिति से करते हैं। यतः समाजस्य विकास नारीषु एव आद्रितः, जो समाज का विकास नारी के स्थिति के कारण पता चलता है, नारी की कंडीशन के कारण पता चलता है। भारतवर्षे वेदना नाम अस्मिता नाम च काले नारी अतीव गौरव अन्यता आसी। भारतवर्ष में वेदों और स्मृतियों के समय में, वेदों और स्मृतियों के समय में नारी अत्यधिक गौरवशाली थी, नारी अत्यधिक गौरवशाली थी। लोपामुद्रा विश्वारा घोषा गार्गी मैत्रेयी आदया ऋषिका वैदिक मंत्राणाम कर्तय अभूत। लोपामुद्रा विश्वारा घोषा गार्गी मैत्रेयी आदि ऋषिका वैदिक मंत्र का उच्चारण करने वाली थी, यानी वैदिक मंत्र का भी उच्चारण करती थी। और जिन नारियों का नाम बताया गया, मनु अस्मृतो मनु अलिखत। मनु अस्मृत में लिखा गया, यत्र
नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। करा कि जहां पर नारियों की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता, वहां देवता लोग भी निवास करते हैं, देवता लोग का भी आगमन होता है। नाड़ीराम ईदृशी प्रतिष्ठिता स्थिति मध्य काले क्रमशः दैनी अभवत। नारियों की इस प्रकार की प्रतिष्ठा को, नारियों की इस प्रकार की प्रतिष्ठा मध्य काल में दयनीय हो गई। करा कि जो नारियों की प्रतिष्ठा थी मध्य काल में क्या हो गई, दयनीय हो गई। मुगल संस्कृति प्रभावे नाड़ीराम स्थिति उत्तरोत्तम अधोमुखी शोचनीया च जातः। मुगल संस्कृति के प्रभाव से, मुगल कालीन संस्कृति के प्रभाव से नारियों की स्थिति उत्तम से अधोमुखी हो गया, अच्छी कंडीशन से बेकार कंडीशन हो गया। प्रायः सार्धेक शताब्दी पूर्व नारीय स्वायत्तता आंदोलन प्रारब्धम्। प्रायः एक शताब्दी पूर्व नारी की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन आरंभ हुआ। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानाडे, विवेकानंद, सर सैयद अहमद अहमदाय प्रगतिशील विचारधाराया समर्थका। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानाडे, विवेकानंद, सर सैयद अहमद खान इत्यादि प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक थे। एतादृशा समाज सुधार का आसन, इत्यादि समाज सुधारक थे, या ये सब समाज सुधारक थे। आए नाड़ीराम शिक्षा प्रबलतया समर्थता, और नारी की शिक्षा के लिए ये प्रबल समर्थक थे, जो नारियों की शिक्षा के लिए जो महारथी थे, जो समाज सुधारक थे, ये प्रबल समर्थक थे। तय नारी दुर्दशाया निवारणाय प्रचुराय कार्याणि कृतानि। वे सब नारियों की दुर्दशा के निवारण के लिए अत्यधिक काम किए, अधिक काम किए। एता काम महापुरुषाराम प्रयास, उन महापुरुषों के प्रयास से सती प्रथा, बहु विवाह प्रथा, बाल विवाह प्रथा इत्यादि कुप्रथा समाप्त हुआ, इत्यादि कुप्रथा समाप्त हुआ।